हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं इस लॉकडाउन में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो लाया है जिसमें मैं अपने पैर रखने वाली हूँ चावल पे। थाली में चावल रहेगा, उसमें मैं अपने पैर रखने वाली। बहुत ही छोटी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ आलता लगाया हुआ है और पैरों में पायल भी ब्राइडल वाली पहनी है, और ये रहा चावल। तो आपका रिक्वेस्ट था आलता लगे हुए पैर होने चाहिए और घुंघरू वाले पायल होने चाहिए। तो ये रहा आपका रिक्वेस्ट। अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, मैंने रिक्वेस्ट किया था और मेरा वीडियो हो गया, मतलब आ गया। तो देखिए, मैं यहाँ चावल पर अपने पैर रख रही हूँ, कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जब मैं क्रसिंग वाला वीडियो बनाती हूँ कि आप फूलों का अनादर कर रहे हैं या आप सब्जियों का अनादर कर रहे हैं, अन्न का अनादर कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ कि इसके लिए भी अगर आप सोच रहे होंगे, तो जो चावल है जब खेतों में होता है धान, तो वहाँ से जब कट के आता है तो कितनी बार महिलाएँ पैरों से चढ़ती है, रास्ते पे रखी होती है। तो कितनी बार हम लोग का पैर है सो अन्न पे जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं इसका अनादर कर रही हूँ चावल का, बस मैं वीडियो के लिए बस बना रही हूँ। और ये बिल्कुल भी मैं फेंकूँगी नहीं चावल। तो देखिए, मेरे पैर चावल पे कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जो अन्न है वो भी लक्ष्मी है, धन है हम लोग का। आप लोगों ने बोला था कि मेरे पैर देवी के समान है, धन जो लक्ष्मी है वो धन की देवी है, अनाज भी लक्ष्मी ही है, इसको बेच के भी पैसा कमाया जाता है। तो अन्न और मेरे पैर दोनों एक साथ हैं। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे ज़्यादा अच्छा इस तो बोलने नहीं आ रहा है, पर जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब लड़कियों का गृह प्रवेश होता है तो कलश में अन्न अनाज यानी धान या चावल रखा हुआ होता है, और पैरों से उसे धक्का लगा के गिरा के तभी जो दुल्हन है वो गृह प्रवेश करती है। तो उसमें भी अनाज गिरता है पैरों से। तो आप लोग प्लीज़ पूरा मत मानिए, वीडियो को एंजॉय करिए, कमेंट करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।